आगे रहेंगे YouTube चैनल। गाइस आज का वीडियो में आपको बताऊंगा कि गाइस डार्क वेब क्या होता है, डार्क वेब को क्या क्या होता है दोस्तों, डार्क वेब का फैक्ट में बारे में। पर दोस्तों उसके बारे पहले आपको बता देता दोस्तों, मैं क्यों इतना दिन वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था, ऑनलाइन पे क्यों नहीं मुझे देख रहे थे, तो बता दो दोस्तों मेरा तो कुछ एग्जाम चल रहा था इसलिए मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपसे रोज आपको वीडियो मिलेगा दोस्तों, वीडियो मिलेगा, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट चाहिए आपका। तो गाइज आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, बताना चाहते हो जो डार्क वेब, अगर आप जानते हैं कि इंटरनेट का सर्फेस कितना होता है दोस्तों, इंटरनेट का जो सर्फेस वेब होता है, डीप वेब होता है, स्पेशली दोस्तों डार्क वेब होता है। तो सर्फेस वेब जो हम गूगल से दोस्तों हो जाता है, हम सर्फ उसको कर सकते हैं, पर दोस्तों डीप और जो डार्क होता है दोस्तों, वो थोड़ा अलग सा वेब है जो हम सब लोग यूज़ नहीं कर सकते। बट दोस्तों आज का वीडियो में आपको बताऊंगा कि डार्क वेब को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो कोई भी डार्क वेब एक्सेस करना चाहता है वो कैसे एक्सेस करना चाहता है। पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ डार्क वेब को कभी मत एक्सेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों डार्क वेब अगर एक्सेस कीजिए आप को मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको मरने का दोस्तों चांसेस होता है कि डार्क वेब एक ऐसे क्लिक में आप मर भी सकते हैं। सो बताना चाहता हूँ दोस्तों 2001 में इसका जो 7.1 पेटाबाइट का इसका दोस्तों एरिया में ये कन्वर्ट होता था, मतलब दोस्तों इसका एरिया पर था, और दोस्तों 2003 में इसको 91,000 पेटाबाइट 1. पेटाबाइट ये चला आया था दोस्तों, मतलब ये इतना खतरनाक एक डार्क वेब है, आप मत इस पर कीजिएगा दोस्तों। डार्क वेब में असल में होता क्या है यही बता देता हूँ दोस्तों, डार्क वेब में आपको जितना सारा इनलीगल काम दोस्तों, डार्क वेब में जितना सारा आपको इनलीगल काम यहाँ पर होते हैं, मान लीजिए किसी का दोस्तों मरने का जो सुपारी लिया जाता है दोस्तों, यहाँ पर लिया जाता है डार्क वेब पे। दोस्तों डार्क वेब ब्राउज कैसे कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग डार्क वेब तो हम गूगल से तो ब्राउज नहीं कर सकते, तो सब कहाँ से ब्राउज कीजिएगा, तो प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन इसका नाम है ट्रॉर ब्राउजर। दोस्तों ट्रॉर ब्राउजर एक ऐसे ब्राउजर है जहाँ से आप जो डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। ट्रॉर ब्राउजर एक ऐसे ब्राउजर है जहाँ पर बहुत लोग चाहते हैं भाई। ट्रॉर ब्राउजर का काम क्या है दोस्तों, पहले आपको बता देता हूँ, ट्रॉर ब्राउजर का मेनली काम है जो आपका आईपी एड्रेस को होता है दोस्तों, आईपी एड्रेस को रिलो कर देता है दोस्तों। रिलो क्या होता है, रिलो आपका आईपी एड्रेस दोस्तों एक टाइम पे एक रहेगा और एक टाइम पे एक रहेगा, मतलब ये जो आईपी एड्रेस है चेंजेस होता रहता है दोस्तों। डार्क वेब में असल में होता क्या दोस्तों, डार्क वेब में एक जो सब बुक्स बैन हो चुके हैं दोस्तों, मतलब इंडिया का एक बुक बैन हो सकता है, यूएसए का एक बुक बैन हो सकता है दोस्तों, बैन जो सब बुक्स होते हैं उस बुक्स को आप डार्क वेब पे पा सकते हैं दोस्तों। अभी बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, उस आर्टिकल्स को आपको पढ़ के आप जो उसको देख सकते हैं, जो सब जो हमारा समाज के लिए दोस्तों बहुत ही खराब है। तो दोस्तों इसलिए जो डार्क वेब जो बहुत ही बुरा डार्क वेब माना जाता है, तो दोस्तों बता दो डार्क वेब का पहले स्पॉन्सर कौन लोग था दोस्तों, यूएसएस का स्पॉन्सर था। आप अगर प्ले स्टोर में जाएंगे जो टॉर ब्राउजर दोस्तों, टॉर ब्राउजर मेनली बनाया गया था जो हमारा दोस्तों डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए, तो दोस्तों उसका स्पॉन्सर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट दोस्तों। बहुत ही बुरा एक डार्क वेब है दोस्तों, इसमें होता और एक बहुत ही दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग फेक आईडी देख सकते हैं दोस्तों। फेक आईडी क्या है दोस्तों, फेक आईडी बहुत सारे फेक आईडी होता है दोस्तों, कि आप पैन कार्ड दोस्तों, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दोस्तों, आप कोई भी क्या बोलते हैं दोस्तों, बहुत सारे फेक आईडी, आप क्रेडिट कार्ड दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का बहुत सारे नंबर यहाँ पर आपको देख सकते हैं, और इसमें कार्ड से ड्रग दोस्तों बहुत ही गनमैन दोस्तों स्मगलिंग किया जाता है। तो डार्क वेब बहुत ही खराब दोस्तों चीज़ है, आप वहाँ पर मत ही जाइए, तो मेरा ये रिकमेंडेड है। और दोस्तों आपका जो वर्ल्ड वॉर होता है दोस्तों, वर्ल्ड वॉर का बहुत सारे सीक्रेट है दोस्तों, सीक्रेट जो सो चीज़ है दोस्तों आपको जो डार्क वेब में देखने को मिलता है। बट दोस्तों आप अगर सोचते हैं हाँ भाई मैं इतना सब कुछ जान सकता हूँ डार्क वेब पर, तो मुझे सर्व एक बार करना ही चाहिए, तो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, टॉर ब्राउजर या लैपटॉप से अगर डार्क वेब को सर्व करते हैं दोस्तों, डार्क वेब का एक गलत क्लिक दोस्तों, एक गलत क्लिक आपका पूरा लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं दोस्तों। कैसे बर्बाद कर सकते हैं दोस्तों, टॉर ब्राउजर या डार्क वेब पे बहुत सारे दोस्तों, प्राय दोस्तों 1 मिलियन से ज़्यादा दोस्तों वेबसाइट से जहाँ पर आप लोग को हैक कर सकते हैं दोस्तों, आपको ऊपर फिशिंग हो सकते हैं दोस्तों, आपको ऊपर आपका कोई भी अकाउंट हैक कर सकते हैं बहुत ही जल्दी से। और दोस्तों डार्क वेब पे जो लोग वेबसाइट बनाते हैं, मतलब जो वेबसाइट तैयार करते हैं दोस्तों, उतना लोग इतना इंटेलिजेंट होते हैं, एनएमएस ग्रुप के बहुत सारे है। और सो जो डार्क वेब कौन कौन ब्राउज कर सकते हैं आप कैसे समझेंगे, डार्क वेब कोई भी ब्राउज कर सकते हैं दोस्तों, डार्क वेब कोई भी ब्राउज कर सकते हैं। अगर दोस्तों डार्क वेब ब्राउज करना चाहते हैं आप लोग, मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर डार्क वेब में बोलता हूँ गाइस, आप डार्क वेब मत यूज़ कीजिएगा दोस्तों। डार्क वेब में एक बहुत ही एक चीज़ होती है, जो लोग दोस्तों एबोशन हो जाते हैं, मतलब जिसको बच्चे एबोशन होता है दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है आपको बता देता हूँ दोस्तों, आत्मा बेचा जाता है दोस्तों। आत्मा बेचने क्या एक रीज़न होता है दोस्तों, कुछ तो है जो आत्मा को बेचा जाता है, मतलब कोई बच्चे का मर गया दोस्तों, उसका आत्मा बेचा जा सकता है, आत्मा से कुछ होता है
और सो बता दूँ आप कोई भी वहाँ पर जो लोग यूएसए का जो डार्क वेब से कनेक्शन है, बहुत सारे कनेक्शन है क्योंकि वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होता है वो बिटकॉइन से होता है दोस्तों, क्योंकि बिटकॉइन में आपका वो ट्रांजैक्शन का कोई आपका सबूत नहीं होता, तो बिटकॉइन से यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है, पैसा लेना देना बिटकॉइन से होता है। और दोस्तों बहुत ही एक अच्छा चीज़ है, मतलब बहुत ही बुरा चीज़ है, दोस्तों जो बुरा चीज़ है यहाँ पर आपको दोस्तों महिला को दोस्तों क्या बोलते हैं, आपको कैसे काटा जा सकता है, मतलब कैसे मारा जा सकता है दोस्तों, यहाँ से सिखाया जा सकता है आपको। अगर कोई इल्लीगल काम कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर होता है डार्क वेब को, और दोस्तों सरकार को यहाँ का जो हमारा गवर्नमेंट को यहाँ पर कोई भी खबर नहीं रखता कि डार्क वेब में क्या हो रहा है। इसलिए बहुत सारे एनएमएस ग्रुप का लीडर हो यहाँ पर आपका जो बैठा हुआ है और यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। तो दोस्तों बता दो अगर कोई डार्क वेब में अगर गलती से भी चला गया दोस्तों, तभी वहाँ से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों डार्क वेब एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो एक फैमिली को उजड़ सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ डार्क वेब को आप कभी भी एक्सेस मत कीजिएगा दोस्तों। आज का वीडियो यही तक, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम। और दोस्तों अगर आप सरफेस वेब या दोस्तों डीप वेब के तरह जानना चाहते हैं तो दोस्तों जरूर से जरूर नीचे कमेंट बताना था दोस्तों। आज का वीडियो यही तक, मिलते किसी और।